उटर इन प्लांट फॉर क्लोनिंग क्लोनिंग के लिए प्लांट में कौन से जो कि प्लांट की सेल्स को ट्यूमरस बना देता है कैंसर बना देता है ट्यूमर नौ, वहां पर क्रिएट कर देता है ठीक है Now, ये ऐसा क्यों कर पाता है एग्रोबैक्टीरियम क्योंकि इसका जो टीफेशमिड है जिसको लोग टीआई प्लाज्मेट बोलते हैं जिसको जीव जंतु टीआई प्लाज्मेट बोलते हैं ये टीआई आई प्लाज्मिड है यहां पर एक टी डीएनए प्रेजेंट है ये है इंफेक्श डीएनए ये कॉज करता है ये ट्यूमर तो अगर मान लो हम इसको यहां से इस टी डी एन ए को हटा करके, डिस आर्म करके हम यहां पर अपना अगर लगा लें पर अपना लगा लें तो क्या होगा तो अपना काम बन जाएगा क्योंकि भाई ये एग्रोबैक्टीरियम टीफेश प्लांट में जाकर के डिवाइड करता है मल्टीप्लाई करता है तो उस टाइम पर भी ये क्या कर रहा है अपना ये मैटर तो इसका रेप्लिकेट हो ही रहा है ठीक है सो तो अगर हमने यहां पर अपना अपना अगर हमने डिजायर डीएनए यहां पर लगा रखा होगा तो इस टी डीएनए की बजाय अपना जो डिजायर डीएनए होगा वो रेप्लीकेट करेगा मतलब उसका नंबर इंक्रीज होगा ना कि इस टी डीएनए का इंक्रीज होगा और अगर टी डी को यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा तो वो डिजीज़ भी कॉज नहीं करेगा ट्यूमर भी कॉज नहीं करेगा प्लांट के अंदर ये ठीक है।, है तो ये क्या हो गया बहुत ही अच्छी बात हो गई कि हम इसको एज अ वैक्टर काम में ले सकते हैं यहाँ पर अपना डिजाइर डी एन ए लगा दें और इसको आगे होस्ट में अगर हम डाल देंगे जहाँ भी ये प्लांट में कॉज करेगा डिजाइर अगर वहाँ जाएगा तो वहां पर ये डिजायर डीएनए के नंबर को इंक्रीज करेगा नाउ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजन टूल्स ऑफ पैथोजन इन टू यूजफुल वैक्टर्स पैथोजन को यूजफुल वैक्टर में कन्वर्ट करना फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूम हम अपना काम इनसे करा सकें सो दिस इज वैक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वैक्टर्स के बड़े गौर से सुनते जाइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में